हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसा कि देख सकते हैं कि आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रिवर। रिवर सिस्टम से रिलेटेड, ज्योग्राफी से रिलेटेड एक भी टॉपिक अभी तक हम लोगों ने नहीं किया है। और ज्योग्राफी सेक्शन जो रहेगा उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो रिवर्स को अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे, मैपिंग के थ्रू समझेंगे और कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हों, जितने भी एग्जाम्स के लायक हों, वो सारी चीज़ें हम लोग इस पर कवर कर लें। तो सबसे पहले समझते हैं हम लोग रिवर होता क्या है। रिवर क्या है? एक नेचुरल नेचुरल फ्री फ्लोइंग वाटर कोर्स है। ये क्या है? नेचुरल फ्री फ्लोइंग वाटर कोर्स, जिसको बोला जाता है रिवर। कहने का मतलब प्राकृतिक रूप से पानी की वह धारा बहने का एक शैली जो पूरी तरह से कैसे बहता है, फ्रीली बहता है, उस पर कोई रोक टोक ना हो, उसको बोला जाएगा रिवर। अगर इसी नेचुरल की जगह पे हम आर्टिफिशियल लगा दें, एक शब्द लगा देते हैं आर्टिफिशियल, तो यही आर्टिफिशियल जहां लग जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा क्या? आर्टिफिशियल फ्री फ्लोइंग वाटर को कहा जाएगा कैनाल। ठीक है, ये कैनाल हो जाएगा। तो रिवर हम लोगों ने समझा। अब समझते हैं कि रिवर वाटर का यूज क्या है, एडवांटेज ऑफ क्या है, एडवांटेज ऑफ रिवर वाटर। नदी के पानी का यूज क्या होता है? तो एक चीज को हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला, ड्रिंकिंग वाटर, ये हमें प्रोवाइड करवाता है पीने युक्त पानी, पीने युक्त पानी प्रोवाइड करवाता है। सेकंड पॉइंट जो होगा, इसी से आपको मिलता होगा इरिगेशन के लिए पानी, खेती बाड़ी के लिए इरिगेशन। थर्ड, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, जल विद्युत। चौथा, इसी से हमें मकान बनाने के लिए बालू और पत्थर भी मिलते हैं, सैंड एंड स्टोन। बहुत सारा प्रोटीन का, जो भारी मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है वो मछलियों में ही पाया जाता है, तो हम लोग यहाँ से फूड भी मिलता है, यानी फिशिंग के द्वारा। पानी से हमारा एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारा सामान पहुंचाया भी जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी यही मिलेगा आपको, शिप वगैरह जो चलता है, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, यानी ट्रांसपोर्ट, ये सारे के सारे आपके बेनिफिट्स थे या एडवांटेज थे। लेकिन रिवर वाटर में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं, तो यहां समझते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ रिवर। प्रॉब्लम्स क्या है? जिस जिस जगह पे बड़ी नदियां होंगी, इंसान क्या कर रहा है, ज्यादातर इंडस्ट्रीज को उसी जगह पे बैठा रहा है जहां पे नदियां होती हैं, तो नदियों से ही उसको पानी मिलता है और भारी मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए क्या करते हैं, लार्ज डैम्स बनवाते हैं, बड़ी बांध बनवाते हैं। और लार्ज डैम्स बनवाने के लिए क्या किया जाता है, भारी मात्रा में लोगों को बेघर किया जाता है, उनके जमीनों को हड़प लिया जाता है, ताकि जब डैम टूटे या डैम से पानी छोड़ा जाए तो नीचे का एरिया बाढ़ से ग्रसित ना हो जाए, इसलिए उनसे जमीनें ले ली जाती हैं। सेकंड पॉइंट अगर देखा जाए तो इसमें वाटर पॉल्यूशन होगा, हम सभी को पता है कि पानी अगर बहता रहे तो वह स्वच्छ रहता है, लेकिन जैसे ही वह ठहर जाए तो उसमें बहुत सारे गंदगी भी आकर के ठहर जाती है, साथ में प्लास्टिक पॉल्यूशन भी होगा। एक बड़ा शब्द आया आपके सामने, प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्योंकि नदी का पानी सारे कचड़ों को अपने साथ बहा करके लाती है,
और जितना नाली वगैरह का पानी होता है, जो भी प्लास्टिक्स आता है, वो सारे के सारे कहाँ चली जाती है? नदियों में। इसका एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा चाइना के यांगशी रिवर में, जो कि प्लास्टिक पॉल्यूशन के लिए फेमस है। यांगशी रिवर, यांगशी रिवर में क्या है कि अगर कुछ दिन पहले अगर आपने न्यूज पढ़ा हो, पेपर पढ़ा हो, तो देखा होगा कि एक शार्क मछली और एक व्हेल मछली का मृत्यु हो गया था, जो कि बाहर मरे हुए दिखाई दिए थे। तो उन मछलियों को जब जानने की कोशिश किया गया कि आखिर इनकी मौत क्यों हुई, तो पता चला कि उनका पूरा का पूरा पेट फूला हुआ था, और फूला हुआ रहने का कारण ही क्या था, ये प्लास्टिक, करीब क्विंटल भर प्लास्टिक उसके पेट से निकला। तो ये एक बड़ा पॉल्यूशन का कारण बना हुआ है। थर्ड जो है, सॉरी फोर्थ पॉइंट क्या होगा इसका प्रॉब्लम में, वाटर यूजेज के लिए डिस्प्यूट भी होगा। वाटर यूजेज डिस्प्यूट भी होगा। एक राज्य दूसरे राज्य पर पानी के यूज के लिए लड़ते हुए भी दिखाई देंगे आपको। ये दो तरह के हो सकते हैं, एक तो स्टेट टू स्टेट और एक कंट्री टू कंट्री। स्टेट टू स्टेट जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हैंडल करता है, लेकिन जो कंट्री टू कंट्री होता है वो वर्ल्ड बैंक हैंडल करता है। इसका उदाहरण भी हम आपको देंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है कि 6 मेंबर्स का एक पैनल बनाती है, 6 मेंबर्स का एक रिटायर्ड जज का पैनल बनाती है, और यही 6 मेंबर जो डिसीजन लेते हैं, इसको फिर दोबारा चैलेंज नहीं किया जा सकता, ना सुप्रीम कोर्ट में ना हाई कोर्ट में, इनका डिसीजन ही लास्ट होता है। वर्ल्ड बैंक में क्या होता है, ICJ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस निर्णय देती है। इसका बड़ा उदाहरण आपको अगर देखना हो तो 1960 में इंडिया और पाकिस्तान के बीच इंदस रिवर को लेकर के झगड़े चल रहे थे, तो इंदस रिवर का सॉल्यूशन भी इसमें निकला था। और अगर स्टेट टू स्टेट देखना हो, कावेरी और कृष्णा नदी को लेकर के अभी भी साउथ में हमारा झगड़ा चलता है। इसी को हटाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1956 में एक बोर्ड बनाया था, एक एक्ट लेकर के आए थे जिसका नाम था IRWDA। 1956 में ये बना था, इंडियन रिवर वाटर डिस्प्यूट एक्ट, जिसके तहत इसको सॉल्व किया जाता है। तो ये थी रिवर वाटर का एडवांटेज और प्रॉब्लम्स। आगे हम लोग समझते हैं कुछ रिवर्स के बारे में, उसके मेजर ट्रिब्यूटरीज, कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज उससे मिलती हैं, और सारी बातें हम लोग लेकर के आते हैं। आज हम लोग कोशिश करेंगे 3 रिवर करने का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे भी आगे बढ़ेंगे। आज 3 रिवर जो मेजर रिवर है भारत की, इंदस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, तो आज इन 3 रिवर्स को हम लोग देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं हम लोग गंगा रिवर की। भारत में इस नदी का महत्व तो ही अलग है, इसको देवी देवता की तरह महत्व मिला हुआ है। तो गंगा रिवर के बारे में जानते हैं। गंगा रिवर भारत के लिए एक हॉली रिवर है। हॉली रिवर मतलब आप समझ ही गए होंगे। गंगा रिवर को ही 2008 में नेशनल रिवर घोषित किया गया है। नेशनल रिवर घोषित किया गया है। गंगा रिवर सेल्फ प्यूरिफायर के नाम से भी जानी जाती है। प्यूरिफायर यानी अपना परिष्करण ये खुद ही कर लेती है। कारण ये है कि इसमें एक खास तरह का वायरस पाया जाता है जिसका नाम है बैक्टीरियोफेज। और ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करता है, अदर बैक्टीरियाज, दूसरे बैक्टीरियों को ये मार देता है।
गंगा नदी पे ही ये बैक्टीरियोफेज क्यों पाया जाता है? इतनी सारी नदियां हैं, किसी में नहीं पाया जाता, सिर्फ गंगा में पाया जाता है। उसका मेन कारण है कि इसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है, डिजॉल्व ऑक्सीजन मोर है, अधिक है, जिसके कारण ये पाया जाता है। गंगा नदी पे ही हमारे देश का नेशनल एक्वाटिक एनिमल पाया जाता है। नेशनल एक्वाटिक एनिमल पाया जाता है जिसको गंगेज डॉल्फिन के नाम से हम लोग जानते हैं। गंगेज डॉल्फिन के नाम से जानते हैं। अगर देखा जाए तो गंगा नदी का उद्गम ऑरिजिन गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। गंगोत्री ग्लेशियर से ये निकल करके भारत में 5 राज्यों से होकर के गुजरती है। सबसे पहले उत्तराखंड, उत्तराखंड से फिर ये उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अंत में पश्चिम बंगाल। झारखंड के सिर्फ एक ही जिले से हल्की सी सटी हुई है, साहिबगंज। तो चलिए अब हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं गंगा रिवर। उत्तराखंड में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री ग्लेशियर और इसी गंगोत्री ग्लेशियर से एक नदी निकल करके इस तरह आई जिसका नाम है भागीरथी और इस तरफ से एक नदी आई है जिसका नाम है अलकनंदा और ये जिस जगह से निकल करके आई है ये भी आपका उत्तराखंड वाला क्षेत्र है, सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर अलकनंदा नदी से जिस जगह पे गंगा मिल रही है, भागीरथी मिल रही है, उस जगह का नाम है देवप्रयाग और इसी देवप्रयाग से आगे अब ये नदी गंगा के नाम से जानी जाएगी और ये इस जगह पे हरिद्वार पहुंचेगी। हरिद्वार के बाद ये नदी यूपी में प्रवेश करेगी जिस जगह का नाम होगा गढ़ मुक्तेश्वर और गढ़ मुक्तेश्वर के बाद ये नदी पहुंच जाएगी आपके भीड़ भाड़ वाले इलाके में कन्नौज और कन्नौज से आगे चल करके ये नदी चली जाएगी आपके प्रयागराज प्रयागराज से आगे बढ़ेगी ये नदी और पहुंचेगी एक सेकंड आगे मैं ज्यादा जाएगा इस साइड पहले कर देते हैं। यहाँ पे एक और ग्लेशियर है इस क्षेत्र में, उत्तराखंड वाले क्षेत्र में ही एक जगह है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर या फिर इसी को बोला जाता है बंदर पूंछ। बंदर पूंछ ग्लेशियर, कारण यह है कि इस जगह से जो नदी निकल करके आएगी बिल्कुल बंदर की पूंछ की तरह रहेगी और गंगा नदी के समांतर चलती जाती है। जैसे ही ये इटावा पहुंचेगी, इटावा में एक नदी इस साइड से निकल करके इसी यमुना नदी से इस जगह पे मिलेगी इटावा में
इस एमपी वाले क्षेत्र से एक नदी निकल करके आएगी जो इटावा में यमुना नदी से ही मिल जाएगी। इस यमुना नदी से मिलती है और ये नदी कहलाती है आपकी चंबल, चंबल नदी। चंबल नदी जो है एक और नदी को इधर ही एमपी वाले क्षेत्र से लेकर के आएगी और यहां मिल जाएगी चंबल नदी से उज्जैन वाले क्षेत्र में, जिसको बोला जाएगा क्षिप्रा। इससे आगे ये नदी आगे पहुंचेगी और ये जगह होगा आपका हमीरपुर, और इसी हमीरपुर वाले इलाके में एक नदी और आकर के इससे मिलेगी, इस जगह से मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र से, जिसका नाम होगा बेतवा। अगर आप पहाड़ी लिखना चाहते हैं किस पहाड़ी से निकल करके आ रही है तो वो भी हम बता दें। ये जो चंबल नदी निकल करके आई है ये जनापाओ पहाड़ी से निकल करके आई है, जनापाओ, जनापाओ हिल। शिप्रा नदी जो है ये कारकीबाड़ी, कारकीबाड़ी पहाड़ी से निकल करके आई है। अगर बेतवा नदी देखे जाए तो बेतवा नदी निकली है विंध्या पर्वत से, विंध्या, विंध्या माउंटेन से निकल करके आई है। हमीरपुर से आगे जब जाएंगे हम लोग तो ये नदी आपकी पहुंचेगी, एक जगह है यहीं जिसका नाम है बांदा, और इसी बांदा में एक और नदी इधर एमपी वाले क्षेत्र से निकल करके आई है, केन। और इस यमुना नदी का बांदा के बाद प्रयागराज में संगम हो जाता है, संगम में जाकर के मिल जाती है प्रयागराज में। चूंकि ये सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा की, तो आप लिख सकते हैं गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी, मेजर या लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा यमुना नदी ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी है तो याद रखिएगा उत्तराखंड के इस क्षेत्र से एक नदी निकल करके आई है ऐसे, ये बिजनौर वाले इलाके से गुजरती है, इसका नाम है रामगंगा, रामगंगा। ये आकर के कन्नौज में मिल जाएगी। अलकनंदा में पांच प्रयाग पाए जाते हैं जिसमें से पहली नदी इसी उत्तराखंड वाले क्षेत्र से आएगी जिसका नाम है धौली गंगा, धौली गंगा। और ये गंगा, धौली गंगा आकर के जिस जगह पे मिलेगी या जिस जगह पे प्रयाग बनाएगी उसका नाम होगा विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग। इसी तरह एक नदी और इधर से आकर के मिलती है जिसका नाम है नंदाकिनी, नंदाकिनी। और एक और प्रयाग यहाँ पे बनाएगी जिसका नाम होगा नंद प्रयाग, नंद प्रयाग। एक और नदी इसी क्षेत्र से आकर के मिलती है जिसका नाम है पिंडर, पिंडर। और ये बनाएगी आपका कर्ण प्रयाग। इस क्षेत्र से एक और नदी अलकनंदा से आकर के मिल जाएगी जिसका नाम होगा मंदाकिनी। केदारनाथ मंदिर इसी मंदाकिनी पर है और मंदाकिनी से होते हुए ये नदी आकर के जहां मिलेगी उस जगह पे बनेगा रुद्रप्रयाग। ये पांच प्रयाग हैं आपके। गंगा नदी प्रयागराज के बाद पहुंचेगी गाजीपुर,
गाजीपुर के बाद ये आगे अब बिहार में प्रवेश करेगी छपरा। छपरा से आगे चल करके ये नदी पहुंचेगी पटना। पटना से आगे चल करके ये नदी आपकी पहुंचेगी सोनपुर, और सोनपुर से आगे चल करके ये नदी पहुंचेगी कुर्सेला। कुर्सेला के बाद ये पहुंचेगी गोदारी, और गोदारी के बाद इस जगह पे फरक्का डैम है, और इसी डैम से इस नदी का दो विभाजन हो जाएगा, एक भारत में प्रवेश कर जाएगी और एक चली जाएगी बांग्लादेश में। जो बांग्लादेश जो फरक्का डैम से आगे ये नदी जब जाएगी तो ये बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जानी जाएगी, पद्मा कहलाएगी, और जो भारत में रहेगी इसको हुगली कहा जाएगा, हुगली नदी। यूपी वाले क्षेत्र से एक नदी है, यूपी वाले क्षेत्र में एक जगह पड़ता है, इसी जगह से एक नदी निकल करके आई है और ये गाजीपुर में आकर के मिल जाती है, जिसका नाम है गोमती। ध्यान रखिएगा, कभी कभार पूछ देता है गोमती नदी निकली कहाँ से है, तो ये है आपका फुलहर झील से, फुलहर लेक से निकल करके आई है। छपरा में ये उत्तराखंड वाले क्षेत्र से एक नदी ऐसे निकल करके आई है, और एक नदी इस साइड से निकल करके आई है। इधर वाली नदी कहलाएगी शारदा, और इस साइड वाली नदी कहलाएगी करनाली, और यही दोनों नदी मिल करके छपरा में आकर के मिलेगी, जिसका नाम पड़ जाएगा घाघरा, घाघरा नदी। पटना में इस साइड से एक नदी आई है अमरकंटक पहाड़ियों से, अमरकंटक पहाड़ियों से जो ऊपर की ओर चली गई और जाकर के पटना में मिलती है गंगा नदी से, वो सोन है। और इसी के विपरीत दिशा में, सोन नदी के विपरीत दिशा में एक नदी निकली है जिसका नाम है नर्मदा। सोनपुर, चूंकि विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला यहीं लगता है, पशु मेला के लिए जाना जाता है, यहां पर भी नेपाल की ओर से एक नदी आई है जिसका नाम है गंडक। कुर्सेला वाले क्षेत्र में ये इंपॉर्टेंट है, कुर्सेला वाले क्षेत्र में एक नदी आई है नेपाल से ही, जिसका नाम है कोशी। इसको सप्तकोशी भी कहा जाता है क्योंकि इसकी सात धाराएं हैं, जिनमें से तीन धारा भारत में प्रवेश करती हैं और चार धाराएं चली जाती हैं नेपाल में। ये जाना जाता है बिहार के शोक के लिए, क्योंकि ये हर साल बिहार में भारी तबाही मचाता है बाढ़ की तरह। रीजन ये है कि ये हर साल अपना रास्ता बदल लेता है, और दार्जिलिंग की पहाड़ियों से एक नदी निकल करके आई है जो कि आकर के गोदारी में मिलती है, महानंदा। महानंदा और ये वाला जो क्षेत्र है हुगली और पद्मा के बीच वाला, ये कहलाता है आपका सुंदरवन, सुंदरवन डेल्टा। तो फ्रेंड्स, ये था आपका गंगा नदी, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको एक बार रिपीट कर देता हूँ। पांच प्रयाग तो आपने देख लिए, गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से, अलकनंदा सतोपंत ग्लेशियर से, यमुना यमुनोत्री से। सबसे लंबी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो यमुना नदी,
सबसे बड़ी सहायक नदी अगर पूछा जाए तो घाघरा नदी, क्योंकि बड़ी का मतलब ये है कि वो भारी मात्रा में पानी लेकर के आता है गंगा नदी के लिए। सबसे ज्यादा पानी लाने का काम ही कौन करेगा? घाघरा, यमुना से भी ज्यादा। दूसरा क्वेश्चन आपसे बनता है कि कौन सी नदी पे घड़ियाल पाए जाते हैं, तो वो चंबल है। चंबल नदी पे घड़ियाल पाए जाएंगे और चंबल नदी बहुत गहरी है, नीचे बहुत ज्यादा खाई होने के कारण इस नदी पे बहुत लोगों को जाने भी नहीं दिया जाता है। इसी तरह से कन्नौज वाला पॉइंट जो होगा, कन्नौज में चूंकि सबसे ज्यादा मैली होती है गंगा नदी, कारण है कि यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट्रियां हैं, फैक्ट्रियों का पानी आकर के इसी में मिलता है। प्रयागराज संगम है गंगा और यमुना नदी का। इसी तरह से सोनपुर के बारे में हम लोगों ने बात किया, सोनपुर में गंडक नदी मिलेगी, इसी के संगम पे आकर के सोनपुर का मेला लगता है। कोसी नदी बिहार का शोक के रूप में जाना जाता है। अगर आपसे सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर यानी दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी पूछा जाए तो वो सोन नदी होगी, दूसरी सबसे लंबी सहायक नदी है। तो ये था गंगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रह्मपुत्र। एक क्वेश्चन और है इसमें, ध्यान दीजिएगा। गंगा नदी जो है टोटल इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया 2525 किलोमीटर बहती है ये। अगर और पॉइंट निकाला जाए तो ये भी बता दें आपको कि कुल 5 राज्यों से होकर के गुजरी है जरूर, लेकिन इसका पानी 15 राज्य इस्तेमाल करते हैं कैनाल के द्वारा या इरिगेशन के लिए। 15 राज्य इसका पानी का यूज करते हैं। अगर भारत का 130 करोड़ की आबादी देखी जाए तो कुल आबादी का 29% लोग, कहने का मतलब एक तिहाई भाग, 30% लोग इसी गंगा नदी के किनारे बसते हैं। गंगा नदी इसलिए इसके किनारे बसते हैं क्योंकि जिस जगह पे भी नदी होगा, बड़ी नदी होगी, वहां की भूमि जो होगी वो फर्टाइल होगी, उपजाऊ भूमि होगी। तो फर्टाइल लैंड होने के कारण, उपजाऊ भूमि होने के कारण सबसे ज्यादा आबादी इसी नदी के किनारे बसता है। इसी किनारे मतलब इसी नदी के किनारे सबसे अधिक घनी आबादी देखने को मिलेगी आपको। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की। ब्रह्मपुत्र नदी की टोटल लेंथ 2900 किलोमीटर है, जिसमें से ये इंडिया में 917 किलोमीटर बहती है। अगर देखा जाए तो ब्रह्मपुत्र नदी की ओरिजिन जो है ये मानसरोवर ग्लेशियर है। मानसरोवर ग्लेशियर है, और मानसरोवर ग्लेशियर कहाँ है? तिब्बत में। अगर तिब्बत ऑप्शन में ना मिले तो चीन भी मार देंगे तो चलेगा। कारण ये है कि तिब्बत को चीन अपना हिस्सा मानता है, उसी के लिए रखता है। तो तिब्बत के बाद ये प्रवेश करती है इंडिया में, और इंडिया से ये चली जाती है बांग्लादेश। ठीक है, तिब्बत में या मानसरोवर ग्लेशियर से जब ये नदी निकलती है तब ये नदी तिब्बत में कहलाती है सांगपो। सांगपो के नाम से जाने जाती है तिब्बत में। इंडिया में ये इन करती है अरुणाचल प्रदेश में, और अरुणाचल प्रदेश में इसको बोला जाता है दिहांग नदी। इंडिया से ये बाहर निकलती है और बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और जैसे ही ये इंडिया से बाहर निकलती है, ध्यान रखिएगा, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहलाएगी और असम से ये बाहर निकलती है, लेकिन असम में ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाएगी, और बांग्लादेश में इसी नदी का नाम जमुना हो जाएगा। फिर चांदपुर वाले इलाके में, चांदपुर एक जगह है, उस जगह पे ब्रह्मपुत्र नदी और ध्यान रखिएगा जमुना और पद्मा का मिलन है, मीन्स गंगा नदी दोनों मिल जाते हैं, और यहाँ पे ये नदी एक साथ निकल करके जहाँ से आएगी उस जगह पे ये कहलाएगी मेघना।
इसका नाम 5 बार चेंज हुआ है। पहले ओरिजिन में सांगपो कहलाई, फिर अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र, फिर बांग्लादेश में जमुना, फिर बांग्लादेश में ही ये नदी फिर मेघना के रूप में जानी जाएगी। चलिए आज हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी को एक एक करके मैप के थ्रू समझते हैं। इसको बताना भी जरूरी है, वो हम थोड़ा थोड़ा बता दे रहे हैं यहाँ पे। ब्रह्मपुत्र नदी पर ही ध्यान रखिएगा, असम वाले क्षेत्र में एक आइलैंड पाया जाता है जिसका नाम है माजुली आइलैंड। जो है ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट, सबसे बड़ा द्वीप है। लेकिन कैसा द्वीप? रिवर द्वीप, नदी द्वीप है, रिवर आइलैंड है ये, रिवर आइलैंड है ये माजुली द्वीप, असम में पाया जाएगा। माजुली द्वीप में ध्यान रखिएगा, इसको 2016 में डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया, भारत द्वारा डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया है। माजुली द्वीप को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज का भी दर्जा दिया है, विश्व विरासत का भी दर्जा दिया है। लोग भारी मात्रा में सैलानी यहां घूमने आते हैं। इसकी जो पॉपुलेशन है, करीब 1.6 लाख है, जो किसी भी आइलैंड पे सबसे अधिक है। इसी कारण इसको डिस्ट्रिक्ट घोषित कर दिया गया भारत द्वारा, और 2016 में ही पहली बार इसके इलेक्शन भी हुए। तो ये माजुली आइलैंड था, हम लोग मैप के थ्रू भी इसको देखेंगे अभी, माजुली आइलैंड को। चलिए बात करते हैं अब मैप की। तिब्बत में एक ग्लेशियर है, ऊपर में चेमायोंगडोंग और नीचे में है आपका मानसरोवर। ये वाला पोर्शन आपको मानसरोवर कहलाता है। इसी मानसरोवर से एक नदी निकल करके आई और ऐसे अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करके बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और फिर ये कहाँ चली जाती है? डेल्टा बनाते हुए बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। जब ये मानसरोवर से निकल करके आई तो ये तिब्बत वाले क्षेत्र में ये कहलाएगी सांगपो रिवर। अरुणाचल प्रदेश में इस जगह जहां पे प्रवेश करेगी, यहां एक दर्रा है, यंग यप पास, और इसी दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। और जिस जगह पे ये प्रवेश करेगी उसी जगह पे एक जॉर्ज का निर्माण करेगी, महाखड्ड का निर्माण करेगी, यानी दो पहाड़ों को बीच में काटती हुई ये नदी निकलेगी और एक बहुत बड़ा खड्ड का निर्माण करेगी जिसका नाम होगा दिहांग जॉर्ज। ध्यान रखिएगा, यही दिहांग जॉर्ज से ही इसका नाम अब दिहांग पड़ जाएगा। आगे जब ये अरुणाचल प्रदेश से इन करते हुए जाए तो इस तरफ से एक नदी निकल करके आई है और इस तरह से आकर के ब्रह्मपुत्र नदी में मिल गई है जिसका नाम है दिबांग रिवर। इसी तरफ से एक और नदी मिली है जो आकर के इस जगह आकर के मिल जाएगी जिसका नाम है लोहित। अब समझ लीजिए लोहित को, यहाँ पे लोहित रिवर जो है, लोहित के बारे में हम थोड़ा सा आपको जानकारी दे दें। लोहित रिवर जानी जाती है रेड सेडिमेंट के लिए,
लाल मिट्टी का कटाव इसमें बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा भारी मात्रा में लाल पदार्थ पाए जाते हैं। जो ये रेड सेडिमेंट है, इसी के कारण से इसका पानी पूरी तरह से खून की तरह दिखता है, ब्लड की तरह दिखता है, लाल दिखता है। इसी कारण से इसको बोला जाता है ब्लडी रिवर, ब्लडी रिवर भी बोला जाता है। इसी लोहित वाले क्षेत्र में, इस लोहित वाले क्षेत्र में, लोहित नदी पर ही भारत का सबसे लंबा, लार्जेस्ट, लार्जेस्ट नहीं, लॉन्गेस्ट कीजिए, लॉन्गेस्ट ब्रिज बनाया गया है, जिसको बोला जाता है भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका ब्रिज, जिसकी लंबाई 9.16 किलोमीटर है, करीब 9.25 किलोमीटर के आसपास है ये ब्रिज बनाया गया है। और भूपेन हजारिका जो थे, एक बहुत ही फेमस सिंगर भी थे, कवि भी थे, तो इनको भारत रत्न से भी नवाजा गया है, और इसी का नाम, इन्हीं के नाम पर ये ब्रिज का नाम रखा गया है। इस जगह पे, और इस जगह पे ध्यान रखिएगा, इस साइड में है आपका डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़ जहां पे अंग्रेजों ने पहली बार पेट्रोल खदान लगाया था, यानी पेट्रोल निकाला था, जिस जगह से डिब्रूगढ़। और इधर डीमा जी है, इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों गांवों को मिलाने के लिए एक ब्रिज का निर्माण किया गया है इस क्षेत्र में, ब्रह्मपुत्र नदी पे, जिसका नाम है बोगीबिल, बोगीबिल पुल या बोगीबिल ब्रिज। अगर आपसे पूछा जाए बोगीबिल के बारे में तो वो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, लेकिन भूपेन हजारिका आपका कहां है, लोहित पर है। इसी साइड से एक नदी आई है और आकर के ब्रह्मपुत्र से मिल गई है, जिसका नाम है मानस, सॉरी, ये भूटान वाले क्षेत्र से आई है, भूटान वाले क्षेत्र से मानस आई है। इसी जगह पे भारत का एक नेशनल पार्क है, मानस नेशनल पार्क, जिसको 1985 में नेचुरल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर मान्यता प्राप्त हुआ है 1985 में। सिक्किम वाले क्षेत्र से एक और नदी आई है, इस सिक्किम वाले क्षेत्र से एक नदी आई है जो आकर के इसी नदी से मिल जाएगी, जिसका नाम है तीस्ता। तीस्ता नदी का भी कहानी बहुत अजीब है। पहले ये नदी डायरेक्ट ब्रह्मपुत्र से नहीं मिलती थी, ये नदी मिलती थी गंगा नदी से, पद्मा से, लेकिन 1787 के बाद, 1787 के बाद इसने अपना रास्ता बदल लिया, यानी अब 1787 के बाद से ये नदी डायरेक्ट कहां जाके मिल रही है, ब्रह्मपुत्र से। देखा जाए तो इस जगह से एक और नदी आई है और ब्रह्मपुत्र से आकर के मिली है, जिसका नाम है संकोष, संकोष रिवर। इस साइड से एक नदी आकर के मिली है यहां, ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, जिसका नाम है कपिली। ध्यान रखिएगा, कपिली नदी पर ही इसी जगह पर एक फेमस जगह है असम में, जिसका नाम है कामरूप, कामरूप आप लोग शायद जानते हो, कामरूप मंदिर या कामाख्या मंदिर के रूप में बहुत फेमस है ये जगह। इसी तरह एक और नदी है जो इस साइड से मानस के पास से ही होकर के गुजरी है, इसका नाम है सुवर्णश्री, सुवर्णश्री।
ब्रह्मपुत्र नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी ही सुवर्णश्री है। सबसे बड़ी सहायक नदी ही कौन है? सुवर्णश्री है। और इसी तरफ से एक और नदी आई है, यहां से आपकी पद्मा मीन्स गंगा नदी आकर के मिल जाएगी किससे? गंगा नदी आकर के मिलती है ब्रह्मपुत्र नदी से, जिसका नाम जिस जगह पे मिलेगी उस जगह पे जगह का नाम है चांदपुर। और इसी जगह से ये नदी फिर मेघना के नाम से जानी जाएगी, मेघना के नाम से जानी जाएगी। और ये वाला जो क्षेत्र होगा ये आपका सुंदरवन कहलाएगा, सुंदरवन वाला क्षेत्र कहलाएगा। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र या ब्रह्मपुत्र की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में रिलेटेड क्वेश्चंस। इंपॉर्टेंट कौन कौन है? दी हांग जॉर्ज, लोहित नदी, लॉन्गेस्ट ब्रिज जो होगा, डिमाजी और डिब्रूगढ़, बोगीविल, सुवर्णश्री सबसे बड़ी सहायक नदी। सुवर्णश्री को गोल्ड रिवर भी बोला जाता है, गोल्ड रिवर इसलिए क्योंकि इसमें सोने के अंश पाए जाते हैं, अभी भी लोग इसकी बालू में सोने खोजते हैं। मानस, चूंकि इसी पर बना है आपका मानस नेशनल पार्क, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका कपिली कामरूप के लिए। तीस्ता नदी, तीस्ता नदी सिक्किम से होकर के गुजरी है, सिक्किम से होकर के निकल करके आकर के अभी ब्रह्मपुत्र में मिल रही है 1787 के बाद। पहले मिलती थी पद्मा से, अभी इसने रास्ता बदला। और पद्मा और ब्रह्मपुत्र नदी जहां पे आकर के मिल रही है वो चांदपुर इलाके से ये कहलाएगी मेघना। याद रहे बांग्लादेश में इसी नदी के चलते हर साल बाढ़ आता है और यहाँ पे भारी मात्रा में मृत्यु भी होती है। कारण है कि इसकी गहराई का किसी को पता नहीं चलता, लोग उतर जाते हैं नहाने के लिए लेकिन बहुत तेजी से इसमें डूबते चले जाते हैं। तो मेघना नदी गहराई के लिए भी जानी जाती है। और खास बात यह है जब सूर्यास्त होगा तो इस जगह का नजारा भी बहुत सुंदर होता है। आप अगर देखना चाहें तो आपके पास हो सकता है गूगल वगैरह करके देख सकते हैं, इसका जो लोकेशन होगा वो बहुत अच्छा होगा। अब ये जो जॉर्ज है, दी हांग जॉर्ज, ये भी बड़ा सुंदर है। इस जगह पे भी लोग बहुत सारे लोग आते हैं सैलानी घूमने के लिए, देखने के लिए। तो आपका रहा ये ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र से अगर कोई भी क्वेश्चन आपका छूट गया हो तो प्लीज फ्रेंड्स एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं इंदस रिवर। चलिए अब हम लोग बात करेंगे इंदस रिवर की, सिंधु नदी की। सिंधु नदी इंदस का अगर देखा जाए तो ओरिजिन है उद्गम स्थान चेमा योंगदों, ग्लेशियर जो है कहाँ? तिब्बत में। अगर आपसे रेंज पूछा जाए किस श्रेणी का ये हिस्सा है तो श्रेणी है आपका कैलाश, कैलाश श्रेणी का है, कैलाश पर्वत का है। अगर आपसे पूछा जाए कि किस किस देश से होकर के ये नदी गुजरती है, ये आपका तिब्बत, तिब्बत से फिर इन करेगी इंडिया, इंडिया से फिर पाकिस्तान। इंडिया में इंटर पॉइंट है इसका, जहां से ये इन करेगी वो जगह है दमचौक, और जहां से एग्जिट करती है, जहां से बाहर निकलती है उस जगह का नाम है चिल्लाश। लेकिन ध्यान रखिएगा चिल्लाश आपका पीओके वाले क्षेत्र में है, पाकिस्तान में। चूंकि इंडिया में ये पूरी की पूरी नदी एक बार भी मैदानी भाग पे नहीं बही है, टोटल ये आपका जितना भी भाग बह रही है वो पहाड़ी इलाके में है, लेकिन पाकिस्तान प्रवेश करते ही ये बहेगी आपका मैदानी भाग में, जिसको बोला जाता है अटॉक, अटॉक में जाकर के ये बहेगी मैदानी भाग में। और इसी अटॉक से आगे चल करके कराची में ये चली जाएगी अरेबियन सी में, अरब सागर में जाकर के मिल जाती है।
चलिए हम लोग देखते हैं एक एक करके। इन इंडिया, अगर इंडिया की बात करें, इट फ्लो बिटवीन ये दो पर्वत श्रृंखलाओं के बीच से होकर के गुजरती है, जिसका नाम है इट फ्लो बिटवीन लद्दाख एंड जास्कर रेंज, जास्कर लद्दाख और जास्कर रेंज के बीचों बीच ये होकर के गुजरेगी। और इसी रेंज में, ध्यान रखिएगा, पीओके वाले क्षेत्र में एक जॉर्ज का निर्माण करेगी, इंडस फॉर्म ए जॉर्ज इन पीओके रीजन। पीओके वाले क्षेत्र में एक जॉर्ज का निर्माण करेगी। जॉर्ज होता क्या है, मान लीजिए किसी पहाड़ी के ऊपर से ये नदी अगर बह रही है, तो एक समय ऐसा भी आएगा जहां की मिट्टी थोड़ी सॉफ्ट होती है, सॉफ्ट सॉयल होता है, और इसी सॉयल को क्या करता है कि ये बीचों बीच काटते हुए निकलती है, और जैसे जैसे ये कटेगा सॉफ्ट मिट्टी बहा करके ले जाएगा, और बहाते हुए ऐसे आपका एक वी शेप्ड का गड्ढा बन जाता है, इसी को बोला जाता है जॉर्ज। अगर ये छोटे छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं है वी शेप में, तो ये तो जॉर्ज कहलाएगा, लेकिन अगर ये बड़ा हो जाता है, यही वी शेप्ड जब बड़ा हो जाता है, तो इसको बोला जाता है केन्या। पाकिस्तान, जब ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है, तो मैंने अभी अभी आपको बताया था ये अटॉक में इट फ्लो इन प्लेन रीजन, समतल भूमि पर बहेगी। और मिथनकोट एक जगह है इसी का, जहां पे इसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज आकर के मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी नदियां आकर के इसी जगह पे इसके साथ मिल जाती हैं, मेजर ट्रिब्यूटरीज। मीट्स और कराची वाले क्षेत्र में इसका मुहाना है, माउथ है या एंड है, जाकर के एंड कहाँ होती है, एक डेल्टा बनाते हुए ये मिल जाती है आपकी अरेबियन सी में। अरेबियन सी में ये एक डेल्टा बनाते हुए चली जाती है। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसको मैपिंग के थ्रू। जैसे कि इंडिया का मान लेते हैं, ये हम लोगों ने एक रफ मैप बनाया है, और ये क्षेत्र रहा आपका पंजाब का, ये आपका हिमाचल प्रदेश, और ये उत्तराखंड वाला क्षेत्र। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। और पीओके वाला क्षेत्र मान के चलिएगा, ये वाला भाग पीओके वाला होगा, ये पीओके वाला क्षेत्र रख लीजिएगा, आगे हम लोग बात करते हैं, ये जम्मू कश्मीर। ठीक है, इस तिब्बत वाले क्षेत्र में एक ग्लेशियर मिलता है, जिसका नॉर्थ पार्ट चेमा युंगलुंग कहलाता है। चेमा युंगलुंग, नीचे आपका मानसरोवर भी है, लेकिन ऊपर वाला भाग चेमा युंगलुंग। इसी चेमा युंगलुंग से एक नदी निकल करके आई है, और इस तरह से भारत में इस जगह पर प्रवेश की है, जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले क्षेत्र में, जिसको बोला जाता है दंग चौक।
और इसी दमचौक से प्रवेश करने के बाद ऐसे नदी सीधी निकल गई है और फिर यहाँ से आकर के पीओके वाले क्षेत्र में प्रवेश करके इस जगह से बाहर निकल गए। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिस समय ये नदी एम की भारत में, तो ये दो पहाड़ी क्षेत्रों के बीच इस तरह से पैरेलल बही है, ठीक है। ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये लद्दाख है, लद्दाख रेंज, और ये है आपका जास्कर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये दो रेंज है, जास्कर और लद्दाख। अब ध्यान दीजिए, लद्दाख रेंज को ये एक बार काट करके निकली है, लेकिन मैंने यहाँ पे एक ही बार दिखलाया है, ये टोटल तीन बार इसको काटती है। और जिस जगह पे काटती है लद्दाख रेंज को, उस जगह का नाम है दुमगाती। दुमगाती वाले क्षेत्र में ये तीन बार काटते हुए निकलती है, और इस जगह से, जहां से पीओके से होकर के निकल रही है, इस जगह का मैंने नाम आपको बताया है चिल्लाश। इसी जगह से ये बाहर निकलेगी और फिर पाकिस्तान में प्रवेश करते हुए, डेल्टा बनाते हुए अरेबियन सी में मिल जाएगी। श्रीनगर का ये हिस्सा, जहां से एक नदी निकली है और यहाँ एक झील है, ध्यान रखिएगा, ये भी एक झील से ही निकल करके दूसरी झील में गई है। जिस झील से निकली है उस झील का नाम है वेरीनाग लेक, और जिस झील पे जाकर के मिली है वो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील है भारत में, उलर झील। और इसी झील से नदी पीओके में प्रवेश करते हुए, ऐसे पीओके के बॉर्डर से होकर के आपका पाकिस्तान में इन करती है और इस तरह से यहाँ पर पहुँचती है। इसका नाम है झेलम, यह आपकी कहलाएगी झेलम, झेलम नदी। ध्यान रखिएगा, मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ झेलम के बारे में, झेलम। इसकी ओरिजिन है वेरीनाग लेक, और इसका ओल्ड नेम है, पुराना नाम बितिस्ता, इसका पुराना नाम है बितिस्ता। ये किस किस जगह से होकर के गुजरी है, ध्यान दीजिए, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, फिर पीओके वाले क्षेत्र से फिर पाकिस्तान में चली गई। इंडिया में कहाँ कहाँ बही है, श्रीनगर, पीओके और फिर पाकिस्तान, ठीक है। आगे बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है जहां से दो नदियां निकली हैं, एक इस साइड से निकल करके आई है और एक इस साइड से निकल करके आई है। इधर वाली नदी का नाम है चंद्रा और इस साइड वाली नदी का नाम है भागा। चंद्रा और भागा एक जगह पे देखिएगा मिलती है दोनों, जिस जगह का नाम है टांडी। एक टांडी नामक स्थान पर मिलती है और यहां से दोनों की संयुक्त धारा मिलकर के एक नदी बहती है और जाकर के झेलम से मिल जाती है। इस नदी का नाम है चेनाब नदी। मैं साइड में लिखूंगा अभी चेनाब के बारे में भी। ध्यान रखिएगा, जिस जगह पे ये दोनों नदियां मिली हैं उस जगह को बोला जाता है झूम, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं झेलम ट्रिब्यूटरी है किसकी, चेनाब की। तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं झेलम प्लस चेनाब, कहाँ पे मिलती है, झूम में, झूम नामक स्थान पर।
साइड में मैं इसके बारे में लिख दूं, चेनाब, इसका ओरिजिन है जहां से ये नदी निकल रही है उस जगह का नाम है, ध्यान रखिएगा, इस जगह को बोला जाता है बारा लाचा ला पाश। बारा लाचा ला पाश से निकलती है, लेकिन ये नदी चेनाब जो है दो धाराओं से मिल करके बनी है। उन दो धाराओं का नाम मैंने अभी अभी बताया, चंद्रा प्लस भागा, इन दोनों से मिल करके बनी है और आगे चल करके ये बड़ी नदी में तब्दील हो गई है। इसका भी पुराना नाम है, ओल्ड नेम, इसको पुराने ग्रंथों में नाम दिया गया है अश्किनी। इसी जगह पे चंद्रा और भागा से थोड़ा नीचे, यानी इसी बारालाचाला पास के नीचे एक जगह पड़ता है जिसको बोला जाता है रोहतांग दर्रा, और इसी रोहतांग दर्रा से एक नदी निकल करके इस तरह से बही है, और एक सेकंड, पंजाब वाले इलाके से होते हुए आगे बढ़ चली जाती है और ये जाकर के एक पॉइंट होगा जहां पे जाकर के चेनाब से मिलती है। ये चेनाब नदी से मिल जाती है और ये जाकर के सीधे इंदस से मिलती है। इस नदी का नाम है रावी, रावी रिवर, मैं लिख रहा हूँ रावी के बारे में, रावी। इसका ओरिजिन होगा रावी जो निकल रही है आपका रोहतांग दर्रा से, रोहतांग पाश, ये कहाँ बह रही है आपका, हिमाचल प्रदेश पंजाब, हिमाचल प्रदेश पंजाब, और चली गई है कहाँ, पार्क में, ध्यान रखिएगा। ये जाकर के जहाँ मिल रही है उस जगह को बोला जाता है सराय सिंधु, मीन्स चेनाब प्लस रावी, जहाँ पे मिल रही है उस जगह को बोला जाता है सराय सिंधु। इसी से थोड़ा सा आगे एक और जगह है जहां से एक नदी निकली है और इस पंजाब वाले इलाके पे आके रुक जाती है, उसका नाम होगा, मैं इधर लिखूं, ब्यास। ये निकल रही है आपकी, ओरिजिन है ब्यास कुंड। इस पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ब्यास कुंड से निकलते हुए ये दो फेमस जगहों से होकर के गुजरती है, दो ऐसे हिल स्टेशन से होकर के गुजरती है जहां लोग बहुत ज्यादा मात्रा में जाते हैं। तो ब्यास कुंड से निकल करके ये कुल्लू और मनाली दो जगहों से होकर के गुजरती है ये नदी, ब्यास नदी। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक नदी निकल करके आई है और एक सेकंड, उत्तराखंड वाले इलाके में ऐसे प्रवेश करते हुए ये नदी चली गई है इस तरह से और जाकर के सीधे पाकिस्तान में मिली है। अब इस नदी का नाम है सतलज, सतलज, मैं इधर लिख दे रहा हूं सतलज। अगर ब्यास नदी का भी ओल्ड नेम लिखना हो तो इसका भी ओल्ड नेम है, ओल्ड नेम विपाशा। सतलज नदी का ओरिजिन जो है ये निकल रही है आपके चेमायुंगलुंग के ही नॉर्थ सॉरी साउथ साइड में, जिसको बोला जाता है राक्षस ताल, राक्षस ताल। इस जगह से निकलते हुए ध्यान दीजिएगा उत्तराखंड में इन कर रही है
उत्तराखंड में जिस जगह भारत में इंटर कर रही है ये नदी, उस जगह को बोला जाता है शिपकिला पास, शिपकिला दर्रा। यहाँ से इन करते हुए ये हिमाचल प्रदेश पंजाब में जा करके सतलज मिल जाती है ये नदी ब्यास से, और जिस जगह पे मिल रही है उस जगह का नाम है हरिके। ध्यान रखिएगा, हरिके ही वो क्षेत्र है जहाँ भारत का सबसे बड़ा कैनाल बना है, इंदिरा गांधी कैनाल। इंदिरा गांधी कैनाल जो भारत का सबसे बड़ा कैनाल है, इसी जगह पे बना है। और ये नदी जाकर के कहाँ मिल रही है? इंडस में। जिस जगह पे सारी नदियां आकर के मिल रही हैं, मैंने आपको बताया, वही जगह आपका कहलाएगा मिथनकोट। ठीक है, ये इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज थी। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज मतलब इसके बाएं साइड की ट्रिब्यूटरीज, जिसमें कौन कौन नदी आ गया? झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। अब बात करते हैं इसके राइट ट्रिब्यूटरीज की। जम्मू कश्मीर के सबसे ऊपर वाले हिस्से में एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसको बोला जाता है सियाचिन ग्लेशियर। ये है आपका सियाचिन ग्लेशियर, जो सबसे ठंडा माना जाता है हिमालय का, सबसे ऊंची चोटी है ऊपर में, जो कि भारत का सबसे ठंडा प्रदेश माना गया है इस जगह को। इसी के जस्ट आगे और एक ग्लेशियर पाया जाता है जिसको बोला जाता है रिमो ग्लेशियर। रिमो ग्लेशियर को टंग ऑफ सियाचिन भी कहा जाता है, रिमो ग्लेशियर। ठीक है, ये टंग भी कहलाता है, जीभ भी कहलाता है सियाचिन का। इस जगह से एक नदी निकल करके आई है और इस तरह से जम्मू कश्मीर के लद्दाख वाले इलाके में इंडस रिवर से, सिंधु नदी से मिल गई है। इस नदी का नाम है श्योक रिवर, श्योक रिवर। और सियाचिन वाले इलाके से एक नदी निकल करके आई है और ये नदी आकर के श्योक में मिल गई है, जिसको बोला जाता है नुब्रा, नुब्रा रिवर। इसी तरह गिलगिट वाले इलाके में, पीओके वाले क्षेत्र में एक जगह है गिलगिट, इसी जगह से एक नदी निकल करके आई है और ये भी मिल गई है किससे? इंडस से, जिसको बोला जाता है गिलगिट रिवर, गिलगिट रिवर। इधर है आपका अफगानिस्तान, अफगानिस्तान से एक रिवर निकल करके आई है और जाकर के मिली है इंडस से। इस नदी का नाम है काबुल रिवर। और ध्यान रखिएगा, पाकिस्तान वाले ही क्षेत्र में एक और नदी इससे आकर के मिलती है इस जगह से, इसको बोला जाता है स्वात रिवर। ये जो स्वात वाला क्षेत्र है, काबुल वाला क्षेत्र है, स्वात रिवर को ही बोला जाता है हेवन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान का स्वर्ग। जैसे हम लोग जम्मू एंड कश्मीर को बोलते हैं हिंदुस्तान का स्वर्ग, वैसे ही पाकिस्तान का स्वर्ग कहलाता है कौन? स्वात रीजन, स्वात वाला एरिया। कारण ये है कि इस जगह पे भारी मात्रा में गेहूं और शुगर केन
यानी गन्ने की खेती होती है। काबुल रिवर जो निकल करके आई है, काबुल रिवर निकलती है हिंदू कुश पर्वत से, हिंदू कुश माउंटेन से। इसी तरह से एक नदी इस साइड से निकल करके आई है और जा करके मिली है किससे, इसी इंडस रिवर से। इसको बोला जाता है गोमल रिवर, गोमल रिवर। इसी जगह पे एक दर्रा पाया जाता है, इसको बोला जाता है खैबर दर्रा, खैबर पास, खैबर दर्रा। तो ये कुछ रिवर हैं जो कि इसके राइट ट्रिब्यूटरीज कहलाते हैं। और 80% पानी का यूज पाकिस्तान करता है, इसलिए इनमें मैंने आपको बता दिया है कि 1960 में वर्ल्ड बैंक द्वारा एक संधि किया गया था जिसमें लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज जो होंगे उसके तीन नदियों का 80% पानी भारत यूज करेगा, और राइट ट्रिब्यूटरीज में जो तीन बड़ी नदियां होंगी उसका 80% यूज कौन करेगा, पाकिस्तान करेगा। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपको हमारा रिवर वाला टॉपिक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे हम लोग नर्मदा महानदी, कावेरी, कृष्णा के बारे में भी बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा इंतजार करें, और हो सके तो इस वीडियो को हमारा लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, गुड नाइट।